पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का जो दौरा है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो प्रियंका गांधी का दौरा रहने वाला है, देखिए पदाधिकारियों से संवाद करने आ रही हैं। जो संगठन के निर्माण हुए हैं ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा इकाई फ्रंटल और विभाग के जो लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। मुरादाबाद में उनकी ससुराल भी रही है, उसके बाद में यहाँ के पदाधिकारियों पर इफेक्ट डालने वाली रहेगी ये सभा? देखिए ये 12 जनपदों के पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम है, ये केवल मुरादाबाद के लिए स्पेशल है। ये पदाधिकारी हैं जो ग्राम सभा, न्याय पंचायत और सभी इकाई के अध्यक्ष हैं, उन लोगों से संवाद करना है। अच्छा, सीधे तौर पर कहा जाए कि जो नब्ज है वो टटोलने की तैयारी चल रही है, 2022 का इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे कि गाँव में क्या चल रहा है, किसान के बीच में क्या चल रहा है, नौजवान के बीच में क्या चल रहा है, महिलाओं के बीच में क्या चल रहा है, सरकारी जो भर्तियां हैं उसमें क्या चल रहा है, खासकर जो भर्तियां अभी तक लंबित हैं उसमें क्या चल रहा है। तो लोगों से, ये जो गांव के लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, कमेटी के लोग हैं, यही तो बताएंगे, इन्हीं से तो चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या निकल के रहा है उस संवाद में कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर, क्या निकल के रहा है? देखिए कल प्रियंका जी ने जब पदाधिकारियों से बात की, उन्होंने सबने कहा कि हमें अकेला लड़ना चाहिए, उन्होंने फैसला ले लिया अकेले लड़ेंगे। खुर्शीद साहब है, उनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी किताब को लेकर बार बार सवाल हो रहा है। देखिए कोई सवाल नहीं है, केवल ट्विस्ट किया जा रहा है, और उन्होंने अपनी बात मीडिया के जरिए पूरे देश के लोगों से कर लिया है। 2022 का इलेक्शन है, किस तरह की रणनीति सरकार बनाने जा रहे हैं? अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में अजय कुमार लल्लू जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2022 का जो इलेक्शन है वो अकेले दम पर लड़ने की तैयारी है, और 2022 में जो उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।